नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा सिंह राठौड़ और आज मेरे भाई ने एक न्यू गेम डाउनलोड किया जिसका नाम है बीक्राफ्ट। और उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद मेरे भाई ने एक बहुत ज़्यादा तगड़ी राइड बनाई और वो जो राइड है बहुत ज़्यादा बड़ी भी है। बहुत ज़्यादा तगड़ी है। और वो उस राइड के पहले मैं आपको इस गेम के बारे में बता दूँ, ये जो गेम है आप प्ले स्टोर से आराम से डाउनलोड कर सकते हो और इस गेम को डाउनलोड करने में आपको कोई पैसे नहीं लगेंगे और पूरा का पूरा माइनक्राफ्ट जैसा है। इसमें बस एक दो ना ब्लॉक और ये ना कोई ब्लॉक और ये ना जैसे ग्लोस्टोन हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, माइनक्राफ्ट जैसी नहीं है लेकिन ये पूरा का पूरा माइनक्राफ्ट जैसा ही है, सब कुछ माइनक्राफ्ट जैसा ही है। और अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो आप प्ले स्टोर से कर सकते हो। और अगर आपको माइनक्राफ्ट खेलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, मतलब उसको डाउनलोड करने में पैसे लगते हैं इसकी वजह से, तो आप उसको आराम से डाउनलोड कर सकते हो। और अभी जल्दी से इस राइड का मज़ा लेते हैं। लेट्स बिगिन। यहाँ पर ये जो राइड है ना बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है और बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो अभी इस राइड के अंदर हम बहुत ज़्यादा मज़ा करेंगे। तो इसके अंदर असल में ना ग्लोस्टोन होता है, लीवर होता है, बहुत सारी चीज़ होती है। मैं इसके अंदर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा इसके अंदर क्या क्या होता है। सेपरेट वीडियो बनाऊँगा जिसके अंदर मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा क्या क्या इसके अंदर चीज़ें होती हैं। तो अभी फिलहाल गेम के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है और ये राइड कितनी ज़्यादा अमेजिंग है और ये असल में बादलों से भी ज़्यादा ऊँची जाती है। वो देखो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिख रही है। और ये देखो यहाँ पर हमारा एक अंडर होटल भी है जो कि बहुत ज़्यादा तगड़ा था, आपको दिखाया नहीं है, सॉरी वो अंडर सॉरी नेदर पोर्टल होगा, नेदर पोर्टल था सॉरी। अभी ये राइड तो बहुत ज़्यादा बड़ी होने वाली है और लास्ट में असल में एक बहुत ज़्यादा बड़ा एक द मेज नाम जिसको हमने द मेज नाम दिया है वो है। और वो जो मेज है उसको हमने कोई सेपरेट नाम नहीं दिया, मुझे कमेंट में जाइए जरूर बताना कि उसका नाम है क्या रखूँ। और साथ ही साथ मैंने इस राइड का नाम भी डेंजरस रोलर कोस्टर रख दिया है और अगर आप कमेंट्स में और कोई नाम सजेस्ट करते हो तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हो कि मैं इसका नाम क्या रख सकता हूँ। यहाँ पर असल में पीछे एक एनिमल भी था, सॉरी भाई मैंने आपको दिखाया नहीं। और इसके अंदर ट्राइडेंट भी होता है और इस माइन का हम ट्राइडेंट से तोड़ सकते हैं अगर हम उसे मतलब नहीं ले पा रहे हैं तो ट्राइडेंट से तोड़ सकते हैं। और वो देखो भाई यहाँ पर एक द मेज है जो कि बहुत ज़्यादा ऊँचा है और ये असल में इसका एंड है। अभी आप मुझे जितना लाइक करोगे, जितना सब्सक्राइब करोगे, जितना कमेंट करोगे, जितना सपोर्ट दोगे उतना ही मैं इस राइड को बहुत ज़्यादा बड़ा करूँगा। अभी इस राइड को मैंने लिमिटेड तक रखा है, आप जितना सब्सक्राइब करोगे, जितना प्यार दिखाओगे उतना उतना मैं बड़ा करूँगा। और आप मुझे ज़रूर सजेस्ट कर सकते हो कि मुझे कितना बड़ा करना है इसको। और हम अभी द मेज में जा रहे हैं, जाने वाले हैं। वो रहा द मेज गाइडन से तो हमारा मैंने आपको दिखा दिया और इसी के अंदर हम 5-10 मिनट तक ऐसे ही चलते रहेंगे। तो इस मेज़ के अंदर थोड़ी सी जगह हमने ना कम पावर डाली थी क्योंकि इस मेज़ को आपको अच्छे से दिखाने के लिए हमने यहाँ पर थोड़ी सी कम पावर डाली थी, मतलब पावर नहीं डाली थी, पावर ड्रिल को पावर नहीं दी थी। यहाँ पर एक और जगह है जहाँ पर हमने पावर ड्रिल को पावर नहीं दी थी। आई एम वेरी वेरी सॉरी बट ये मेरा भाई का ही सजेशन था। तो यहाँ पर आप देख ही पा रहे हो इस माइनक्राफ्ट को तोड़ सकता हूँ मैं, ये निशाना लगा दिया। और ये ट्राइडेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब ये है द एंड।
इसके अंदर फायर वर्क भी होते हैं अलग अलग कलर के, बहुत ज़्यादा मज़ेदार। अब यहाँ पर ये भी एक द एंड है, वहाँ से करता हूँ मैं। यहाँ पर खत्म हो गया, वहाँ पर तो शायद से खत्म हो गया। वहाँ पर खोल ले रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख ही पा रहे हो कितना ज़्यादा अच्छा है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मुझे इसके अंदर और भी ज़्यादा चीज़ें करनी चाहिए या फिर नहीं। अभी तक मैंने इसको यहाँ पर ही तक ही रखा है। और अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो आप जियो ना प्ले स्टोर से लिख देना बीक्राफ्ट और आपका गेम आपको मिल जाएगा। इसका नाम बीक्राफ्ट ही है और आप इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आज के पहले वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।